अस्सलामु अलैकुम, मैं हां साबिर अब्बासी ते तुसी साडा YouTube चैनल मुन्ना अब्बासी ऑफिशियल ते ए साडा बड़े जगे इकबाल ते अज असा लाइक आवन साडा ए मकसद है जेडे साडे भरा हैं जेडे यानी के सब लाइव वीडियो देखण वास्ते साडा कीमती वक्त अपना कीमती वक्त जाया करेंदन और दिन भई लाइव वास्ते इना को देखसो ओ कमेंट्स करेंदन असा कमेंट पढ़ दे कोई नहीं सही तरह ते अज असा साडा ए मकसद है जेड़ा भी भरा कमेंट करेंदा है अज असा उनका रिप्लाई देसू अज असा अपनी आपस की कोई गल कहना करेसू ते जेड़ा भरा सारा चैनल दे दा पियो सी जिन्हें सब्सक्राइब नहीं भी किया पहले सब्सक्राइब कर ले ठीक है ते जी ते अज तो सारे को पूछो कमेंट से जेड़ी गल पूछनी है असा उनका आपको जवाब देसू ठीक है कमेंट सा शुरू तो ऐड करो हेक ही नहीं छोड़ना ठीक है ना सबसे पहले YouTube वेलकम करता है जी जनाब वेलकम टू उसके बाद चौधरी शफी कहते हैं हाय हाय आज इंशाल्लाह सबका रिप्लाई करता हूं ऑन शबीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम शफीक बलोच कहते हैं हाय हाय उसके बाद चौधरी शफी बोलते हैं भाई जान जी भाई जान अच्छा उसके बाद वीरू ताबी बोलते हैं बल्ले 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 हसन रजा कहते हैं हाय मुन्ना भाई हाय टू आप ये भी बताना कि आपको कल मजा कैसा आया उसके बाद मोहम्मद मुबशिर बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम भाईजान उसके बाद अदनान असलम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाईजान वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक हाल है भाईजान अबैदुल्ला हाय हाय रूबी हसन बोलते हैं हेलो उसके बाद चौधरी शफी बोलते हैं ब्यूटीफुल थैंक्स जनाब सैयद अहमद नकवी बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम भाईजान बिल्कुल ठीक है हम आप सुनाएं ओन शबीर बोलते हैं मुन्ना भाई जस्ट तुम मुल्तान दी केड़ी साइड तू हो मुल्तान दी जनाब चौक कुमार अली सप्तान खालिद लीला बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आरिफ कहते हैं मुन्ना भाई आप इंस्टाग्राम पे ऑन नहीं होते जी इंस्टा पे मैं ऑन होता हूं तो बहुत कम उसके बाद समीर खान बोलते हैं मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम समीर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम समीर खान बोलते हैं मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अनस मलिक बोलते हैं मुन्ना दिल करता है तुझे अपने पास रख लूं अच्छा जी थैंक्स जनाब सैयद अहमद नकवी कहते हैं क्या हाल है जी जनाब बिल्कुल ठीक हाल है वसीम नाइस बोलते हैं फैसलाबाद कब आओगे इंशाल्लाह जनाब बहुत जल्द आज किसी के भी कमेंट्स नहीं छूटने चाहिए सबके पढ़ने ठीक है ना ठीक है ठीक उसके बाद मोहम्मद मुबशिर बोलते हैं मुन्ना भाई जेबी भाई किधर हैं जी सर वो भाई हमारे अपने घर होंगे और कहाँ होंगे थोड़ा सा इसलिए तो उसके बाद रूबी हसन बोलते हैं मुन्ना भाई लव यू अनस राजपूत रावल पिंडी अच्छा आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा। उसके बाद यार इसका नाम मुझे समझ नहीं थी असद लखवेरा पता नहीं क्या लिखा हुआ उसने ये मैं आपके कमेंट ऐड कर देता हूँ लेकिन आप नाम समझ नहीं आ रहा भाईजान मैं रिजवान हूँ आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ अच्छा उसामा गिलानी कहती जी जेदी उसामा गिलानी कहते हैं अच्छा उसामा गिलानी सिर्फ जेदी ने पूछा मेरा नहीं भाई पूछो सारे ने पूछो दो चार उसके बाद अबैदुल्ला कहते हैं हेलो जिगर कैसे हो जी जिगर बिल्कुल ठीक इजाज खान शहाब कहते हैं सलाम हो गया वालेकुम अस्सलाम सैयद अहमद नकवी बोलते हैं जावेद तू भी बोल ना हमारे कमेंट्स वो बोल तो रहे हैं भाईजान सप्तान खालिद लीला कहते हैं भाई लीला से लीला 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 से हूँ अच्छा लीला से ठीक है जनाब साहब से पूछते हैं लीला वाला कहाँ है खवेरा साल्ट में है के साथ पता क्या लिखी उसके बाद मोहसिन इकबाल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भाई क्या हाल है मुल्तान में सर्दी कैसी है जी मुल्तान में सर्दी तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तीन चार दिन से कम है वो क्योंकि धूप निकली हुई है अदनान असलम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान आप बहुत शानदार प्यारे हो टिकटॉक पर आते हो बहुत लुत्फ करते हैं अच्छा जी बहुत मेहरबानी जनाब ये बस आप लोगों का प्यार आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग इतना चौधरी शफी बोलते हैं स्वीट थैंक्स अनस मलिक बोलते हैं दिल करता है
आगे नहीं मैं कहता अनस भाई, आगे नहीं कहूंगा मैं। क्या राणा साहब नहीं आया आज? राणा साहब, राणा राशिद भाई क्यों कह रहा है वो दे दो। हसन रजा बोलते हैं आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। जी जनाब इंशाल्लाह हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। राणा कबीर बोलते हैं क्या हाल है जनाब? जी जनाब बिल्कुल ठीक है। राणा राशिद साहब नहीं आए, राणा राशिद अस्सलाम वालेकुम। राणा राशिद साहब अगर आप हमें देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से आपको सलाम। सामा गिलानी को भी और हमजा भाई को भी और मार उस्मान को भी, फैजान गिलानी को भी, सब भाइयों को जो हमें इस टाइम देख रहे हैं उनको भी वो हमने थोड़ा सा किया। So beautiful, I am fine. अच्छा तो उसके बाद अब्दुल शबूर बोलते हैं मुन्ना भाई आप कभी अपने भाई से मिलवा लें। अच्छा जी इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। उसके बाद फिर वसीम नाइस बोलते हैं फैसलाबाद कब आओगे? जी उसके बाद फिर बोलते हैं समीर खान वो थोड़ी सी परेशानी थी बस टेंशन घबराहट। उसके बाद जाफी अमीन बोलते हैं मुन्ना भाई फिर किसी दिन मियां चन्नू आ रहे हो? जी इंशाल्लाह जनाब हमारे मार साहब है मार गुली साहब हम इनके साथ इंशाल्लाह मियां चन्नू आएंगे तो आपकी तरफ भी चक्कर लगाएंगे। उसके बाद कहते हैं अबैदुल्लाह इंशाल्लाह कल चक्कर लगाएंगे भाई के पास हम जरूर जरूर इंशाल्लाह। किधर गया मुन्ना? और पानी पीने गया था। पानी मेरे लिए भी ले आया यार, खत्म हो गया जी। कमेंट आप पढ़िए हम रिप्लाई करेंगे। कल कितना मजा आया था, कल हमारे साथ एक सिंगर थे बहुत अच्छे सिंगर। अच्छा रूबी एसन बोलते हैं मैं वही हूँ राजपूत जिसने फेक आईडी से 5,000 मंगवाए थे, पता है ना फेक आईडी से मंगवाए थे सर? रूबी भाई आपको पहले भी बताया था आप फिर भूल गए। उसके बाद राणा साहब माजरत हो जाएगी क्योंकि यहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो है जिसलिए रिकनेक्टिंग पे चला जाता है मोबाइल। आपको कमेंट से ऐड करूंगा राणा साहब, मैंने देख लिए हैं वैसे। राणा राशिद? हाँ राणा राशिद आपके कमेंट्स देख लिए हैं वो बहुत स्लो है नेटवर्किंग, इस वजह से ना मैं ऐड करता हूँ आपके मोबाइल। उसके बाद मोहम्मद आमिर कहते हैं माशाल्लाह खान। उसके बाद यहिया खान कहते हैं मुन्ना भाई आप सरायकी हैं सर? ये सरायकी भी हैं उर्दू भी हैं पंजाबी भी हैं सब। सुरैया रानी बोलती हैं हाय हाय बोलते हैं नंबर सेंड कर दो जी जनाब जरूर। राणा साहब के पढ़े पहले राणा साहब के कमेंट पढ़े। मुन्ना भाई सारा तेरा पूछ रहे हैं जावेद भाई मासूम बैठा है? नहीं वो बात कर रहे हैं ना आज इसलिए मासूम तो नहीं बैठे, बात कर रहे हैं मुन्ना भाई फिर इसलिए वो बैठे। समीर खान कहते हैं जावेद लाला तू तैयार किया है? यार हम तुसी चुप ही रहन दे यकीन करो सिर्फ आया ना सिर दा उजाड़ा जी तो बोल दे। मलिक नासिर ऑफिशियल बोलते हैं मुन्ना नो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों बोलते हो? वो यार हमें प्रॉब्लम्स क्यों बोलते हो? वो पता है कि हम शुगर लगाते हैं नो प्रॉब्लम को बोलते हैं नो प्रॉब्लम्स। मानी बेटी बोलते हैं कैसे हो? जी जनाब बिल्कुल ठीक। हीरा हैदर बोलते हैं शहजादे। असद मलिक बोलते हैं कैसे हो? राणा ट्रिपल आर बोलते हैं आप अपने याद क्या आपने याद कर लिया मैं राणा मेन पढ़ लगा नहीं है लेकिन वो समझ गए मैं क्या कह राणा साहब हमने पहले आपका नाम राणा साहब आपका उन्होंने नाम पहले ले लिया था ये होती है मोहब्बत। हमने आपका नाम भी लिया है गिलानी भाई का नाम भी लिया है हमजा भाई हमजा का नाम भी लिया है फैजान का नाम भी लिया मार उस्मान का नाम भी लिया है सबका नाम लिया हमने पहले। मारनू तो मैं ठुके ना जरा अमर तो दे मेनू। साहिल अबासी बोलते हैं हाय हाय अबासी साहब। हीरा हैदर बोलते हैं वालेकुम सलाम। मलिक नासिर ऑफिशियल बोलते हैं आप दोनों की कब से यारी है? सर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7-8
आठ साल हो गए हैं, सात आठ साल हो गए हैं। हाँ इतना हो गया। ये हीरा एयरपोर्ट है ना, जो हीरा हीरा हैदर बोलते हैं आपको भी इस्लाम वो एयरपोर्ट मलिक हमजा एयरपोर्ट है। हीरा हाथ हीरा भाई आप हमजा हो पता लग गया, हमें याद आ गया। मर्जी है सही, मर्जी है सही। राना राशिद ट्रिपल आर बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत जजाक शुक्रिया जजाक। साहिल अब्बासी बोलते हैं सलाम भाई, तौफीक बोलते हैं कराची कब आओगे, आई एम वेटिंग। कराची का तो यार अभी नहीं पता क्योंकि कराची यार एक तो बहुत दूर है, अभी वहाँ का कोई नहीं है प्रोग्राम, हम आपको ऐसे क्यों कहेंगे और वहाँ इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, ये वो भी तो कोई हमारा इरादा नहीं है, वैसे हमने इधर जरूर जाना है। मुन्ना अच्छा, उसके बाद खुरम लशारी बोलते हैं मुन्ना भाई मारी भी कभी चक्कर लगाओ, स्नो फॉलिंग हो रही है। जनाब मरी हमने चक्कर लगाना था तो जवेद को, जवेद की वजह से हमने की, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, हमने मरी जाना था, हमारा सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी, जवेद को घर से इजाज़त नहीं मिली तो बगैर इजाज़त की हम नहीं जा सकते। उसके बाद मलिक उस्मान कहते हैं भाई मेरे कॉमेंट्स भी ऐड करो। उस्मान भाई वेलकम हो गया सर, क्यों आप कॉमेंट्स क्यों रीड नहीं करें। उसके बाद डेविड कमिंग बोलते हैं डेविड कमिंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम कुरैशी बोलते हैं नंबर दो ब्रदर्स सर मिल जाएगा जी जनाब। उसके बाद मोहम्मद अजमल बोलते हैं खुश रहो आमीन और आप भी हमेशा ही खुश रहो। रूबी हसन बोलते हैं भाई भावलपुर से हूँ भाई, ठीक हो गया रूबी हसन भाई। कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं तो हमारी दावत है बड़ी, तो कौन से मार रहे हैं शुजाबाद हमारे यहाँ कल, जिस भाई जो फैंस हो ना स्पीड स्लो हो जाती है सर, माजरत हो गया, माजरत बात कर देंगे इंशाल्लाह। राणा साहब माजरत, राणा साहब। अच्छा उसके बाद कमेंट शेयर करते हैं दोबारा। अच्छा साहिल हाशिम भाई मुन्ना भाई आप केपी की जरा कब आओगे, पहले हम जो फेमस हो जाएं। अच्छा राणा ट्रिपल आर बोलते हैं किस चीज की घबराहट है जवेद साहब। राणा साहब आपको बताया तो है, कल बताया नहीं था आपको राणा साहब। उसके बाद राणा ट्रिपल आर कहते हैं फरा फरा को सलाम, वालेकुम सलाम राणा साहब दी ग्रेट, फरा फरा को सलाम। अच्छा जाफिर जाफिर अमीन बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि आप मियां चन्नू आए हुए हैं सर, पहले वीडियो डालेंगे टिकटॉक पे या लाइव आएंगे कि हम इस वक्त एक वीडियो बनानी है अपलोड करने का, मियां चन्नू इस टाइम आ रहे हैं टाइम और इस जगह पे आ रहे हैं, जिस भाई जो फैंस मिलना चाहते हो वो इस जगह पे आ जाएं, पहले बता देंगे नो टेंशन। चक बता रहे थे 40 चक, कौन से 45 चक में आएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान बोलते हैं भाईजान कब आएंगे आपसे मुलाकात करने। जी जनाब पर हम कहाँ पे, कहाँ पे आना सर। आसिम कुरैशी बोलते हैं कराची आओ मुन्ना ब्रदर्स, कराची तो बहुत दूर है यार भाई, बहुत दूर है कराची। उसके बाद हीरा हैदर कहते हैं फराज भाई जवेद भाई और मुन्ना भाई को सलाम हो गया, वालेकुम सलाम भाई, हमजा भाई वालेकुम सलाम, मेरे दोस्त हैं अच्छा। तौफीक बलोच बोलते हैं इंस्टा पे ऑनलाइन नहीं होती, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। ठीक है जनाब अपना नाम मेंशन कर दे। अच्छा उसके बाद मलिक नासिर अफीशियल बोलते हैं जवेद कभी आओ मियां वाली, मियां वाली जी हमने मियां वाली तो एक बार जरूर जाना है क्योंकि हमने अपने दोस्त के लाल का चक्कर लगा लो, लाल का अस्सलाम वालेकुम भाईजान लाल का चक्कर लगा लो, लाल का लाल लिखा हुआ है लाल। उसके बाद कहते हैं साहिल हाशिम बोलते हैं आप केपी की ओके ओके अपना ख्याल रखना।